बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बीजेपी में रहते हुए बागी तेवर वाली पंकजा मुंडे को महाराष्ट्र की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रही दो नई पार्टियों ने मुख्यमंत्री पद की पेशकश की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बीआरएस ने पंकजा से पार्टी में शामिल होने की अपील की है। वही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने भी अपनी गुजारिश याद दिलाई है। AIMIM का दावा है कि उन्होंने बीआरएस से पहले पंकजा मुंडे को अपनी पार्टी में शामिल होने और मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने का ऑफर दिया था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर पंकजा मुंडे की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र आए AIMIM के सर्वे सर्वा असदुद्दीन ओवैसी ने पंकजा मुंडे को सलाह देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाली पंकजा मुंडे को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस से पहले इम्तियाज जलील ने पार्टी में शामिल होने का ऑफर पंकजा मुंडे को दे दिया था। असदुद्दीन ओवैसी छत्रपति संभाजी नगर शहर आए थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। ओवैसी ने कहा कि छत्रपति संभाजी नगर जिले के सांसद इम्तियाज जलील ने 2 साल पहले पंकजा मुंडे को मुख्यमंत्री पद की पेशकश की थी। दरअसल बीआरएस पार्टी के समन्वयक बाला साहेब सनप ने हाल ही में दावा किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र में बीजेपी को बढ़ावा दिया। उनकी बेटी पंकजा मुंडे का महाराष्ट्र में बड़ा दायरा है। हालांकि पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी में उन्हें बाहर करने की कोशिशें हो रही है। इसके चलते भारत राष्ट्र समिति में कई बड़े नेता आ रहे हैं। पंकजा भी पार्टी में शामिल हुई तो KCR उन्हें न्याय दिलाएंगे। सनप ने दावा करते हुए कहा था, कोर कमेटी में इस पर चर्चा हुई है, इसके चलते हम पंकजा मुंडे से जल्द मिलने जा रहे हैं। उस समय उन्हें इस संबंध में प्रस्ताव दिया जाएगा। अगर पंकजा मुंडे हमारी पार्टी में शामिल होती है तो वो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे को बार बार दरकिनार किया जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही बीआरएस ने पंकजा मुंडे को मुख्यमंत्री पद का खुला ऑफर दिया है। इस बीच NCP प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंकजा मुंडे जल्द ही NCP में शामिल होंगी। मिटकरी ने यह भी कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को इसकी जानकारी भी है। बताया जा रहा है कि पंकजा मुंडे पार्टी के नेताओं द्वारा उन्हें लगातार साइडलाइन करने के चलते नाराज है। कई मौकों पर वो अपनी नाराजगी भी व्यक्त करती रही है। अब इस मामले में NCP, BRS और AIMIM के दावों ने हलचल तेज कर दी है। हालांकि किसी भी ऑफर पर पंकजा ने अब तक कुछ नहीं कहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे पंकजा क्या फैसला लेती है। वैसे जानकार मानते हैं कि पंकजा को भले ही बीआरएस और AIMIM ने CM पद का लालच दिया हो, लेकिन वो इस लालच में नहीं पड़ने वाली है। ऐसे में सवाल है कि क्या पंकजा NCP का रुख करेंगी या फिर BJP में बनी रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।